सो स्टूडेंट्स, दिस इज द नाइन्थ एंड द लास्ट टॉपिक. टेंथ टॉपिक जो फ्रस्टम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है. तो आई विल नॉट बी गोइंग डीप इनटू इट. बेसिक नॉलेज आपको दे दी जाएगी, बट जो ये मेरा टॉपिक है इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है. मैंने इसको खुद हेडिंग दे रखी है, ऑल्दो देर इज नथिंग, नो हेडिंग सच देयर इन एनी बुक, बट आपको समझाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे रीड करना है, कैसे समझना है ऐसे क्वेश्चंस को, तो दैट इज अवर जॉब. तो मैंने इसको नाम दिया अर्थ डगआउट. अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगा रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, कि इन क्वेश्चंस का मतलब कैसे बना. क्या कहते हैं कि अर्थ डगआउट वाले क्वेश्चंस में, अगर मेरा एक घर है, मेरे एक प्लॉट है, घर ना समझो प्लॉट है, ठीक है. मैंने उस प्लॉट में से मिट्टी खुदवाई, मिट्टी खुदवा के किसी और प्लॉट में डाल दी एक प्लेन सरफेस बना के, तो जहां डाली उसकी हाइट कुछ अप होगी, बोलो. ऑब्वियस है, एक तरफ की मिट्टी खुदवा के दूसरी तरफ डाली और दूसरी तरफ ऑलरेडी प्लेन था, बट मिट्टी डालने से उसकी हाइट जमीन थोड़ी ऊपर हो गई. यस, तो दोनों चीजों में इधर से इधर क्या ट्रांसफर हुआ, वॉल्यूम. एक्सीलेंट, क्या ट्रांसफर हुआ, वॉल्यूम. जब हमने पानी वाले क्वेश्चंस किए, पानी इधर इस सिलेंडर से इस कोनिकल वेसल में आया, वॉल्यूम में ट्रांसफर हुआ ना. जब वॉल्यूम इधर ट्रांसफर हुआ तो कोनिकल वेसल में पानी की हाइट बढ़ गई. तो इन क्वेश्चन में यही समझना है कि जो इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, मिट्टी क्या हुई, मिट्टी की हाइट रेज हुई. तो हमने वही हाइट कंसिडर करनी है हर क्वेश्चन में. इज दैट क्लियर? लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 146 ऑफ असाइनमेंट, ठीक है. क्या कह रहे हैं, अ 20 मीटर डीप वेल, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन. मैं ये भी लिख देता हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है मेरे पास फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3. अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग, ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं, एक वेल है विच इज 20 मीटर डीप, कितना डीप है बेटा, 20 मीटर्स एंड डायमीटर ऑफ 7 मीटर्स, तो रेडियस कितना आ गया, 7 बाय 2 मीटर्स इज डग डीप एंड अर्थ टेकन आउट इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ 22 मीटर्स बाय 14 मीटर्स. वो क्या कह रहे हैं, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है. इसी में जो यहां से मिट्टी निकली उसका एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया विच इज 22 मीटर्स बाय 14 मीटर्स, जिसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है. अगर मैंने वो मिट्टी अपने प्लॉट से निकाल के इस एरिया में डालनी है तो ये लंबाई 22 और ब्रेथ कितनी है, 14. जब मिट्टी डालूंगा तो क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ फिगर क्या होगी, क्यूबॉइड. एक्सीलेंट अर्चिता, फॉर्मेशन ऑफ फिगर क्या हो गई, क्यूबॉइड हो गई, ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. क्वेश्चन समझ आ गया, बोलो. ये जो मिट्टी निकली यहां से वो इधर डाल दी गई, जब इधर डाल दी गई तो हाइट रेज हुई, बोलो. तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट कहां से, फ्रॉम वेल, वेल की शेप क्या बोली है उसने, सिलेंड्रिकल वेल, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू मेक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म. यस और नो, बोलो. इज दैट क्लियर जयम बेटे, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम दी वेल विच इज क्यूबॉइडल इन शेप, इसका फॉर्मूला क्या आया, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या बना, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अब क्योंकि दोनों तरफ पाई नहीं है, अब मुझे पाई भी खोलना पड़ेगा. पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है, 7/2 इनटू 7/2, हाइट कितनी है, 28 इज इक्वल टू एल कितना है, 22 बी 14 एंड एच मुझे ढूंढना है. सारी चीज में एक ही अननोन रह गया, केस क्लोज. अब 22 से 22 कैंसिल, 7 वन्स आर 7, 2s आर 7, से 7 कैंसिल,
टू वंस आर टू, टू वंस आर टू, इधर टू इधर फाइव, ये टू इधर आके क्या हो गया, तो h मेरे पास बना 5/2 मीटर्स और सेंटीमीटर्स, मीटर्स ठीक है जी, इसकी हाइट। तो आंसर क्या आया 2.5 मीटर। क्या मुश्किल क्या इजी, समझ आ गया पक्का, कोई इसमें डाउट, पक्की बात है।